जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दो स्कूल बसेस दिखाई जाती हैं, उनमें कुछ फीमेल स्टूडेंट्स थी। उनमें से एक स्टूडेंट का नाम मित्सुको था। वो अपनी डायरी पर कुछ लिख रही होती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, तो हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं कर रही। जैसे ही उनकी बातों पर ध्यान देती है तो उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए झुकती है यानी बेंड होती है। लेकिन उसी दौरान कोई तेज सी चीज आती है और दोनों बसेस को काट देती है, जिसकी वजह से सब लड़कियां एक लड़की को मित्सुको बचा लेती है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग उन तक पहुंच पाते हवा उनको भी काट देती है और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है। मित्सुको बहुत डर जाती है और डर में इधर उधर भागने लगती है कि फिर वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहां पर जाकर वो अपना मुंह हाथ धोती है जिस पर बहुत खून लगा हुआ था। वहां पर पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी जिनको हवा ने काट दिया था। वहाँ से वह डेड बॉडी के कपड़े लेती है और चेंज कर लेती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में आ गई है जहाँ पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से चेंज था यानी वो उसके स्कूल की स्टूडेंट्स तो नहीं थी। वहाँ पर एक लड़की मित्सुको के पास आती है और कहती है कि तुम कैसी हो। वो दरअसल उसकी बेस्ट फ्रेंड थी लेकिन मित्सुको से पूछती है कि क्या तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी हद तक एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर अचानक से हवा का झोंका आता है और मित्सुको स्कूल की बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो उससे पूछती है कि मित्सुको तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हें हो क्या गया। मित्सुको से बताती है कि मैं नहीं जानती कि वो मेरा हाथ था या सच, लेकिन मैंने देखा है कि हवा का झोंका सब लड़कियों को काट दिया है। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले जाती है और अपना हाथ बाहर निकाल कर कहती है कि ये देखो, ये एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं, रोज की तरह ऐसी ही हवा चल रही है। इस पर मित्सुको की परेशानी थोड़ी कम होती है और उसे लगता है कि शायद वाकई ये मेरा हाथ हो सकता है। उसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी और दो दोस्तों को लेती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लासरूम से बाहर आ रही होती है तो उनकी टीचर भी आ जाती है और इनको देख लेती है, लेकिन ये चारों वहाँ से तेजी से भाग जाती है और उनकी टीचर पीछे ही रह जाती है। वो चारों भागते भागते ट्रैक पर आ जाते हैं। वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड बाकी फ्रेंड्स को भी उसके हाथ के बारे में बताती है। तो उनमें से एक लड़की भाग जाती है और कहती है कि हो सकता है कि ये सच हो जैसे मिरर फ्रंट होती है और वहाँ पर सब कुछ इस दुनिया से ऑपोजिट यानी उल्टा होता है। और ये कहते ही वो लेक में एक पत्थर फेंकती है और कहती है कि देखो यहाँ तो मैंने पत्थर फेंका है लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक लड़की को मगरमच्छ खा लेता है, लेकिन फिर वही फ्रेंड उनसे कहती है कि देखो मैंने कहा था ना कि जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता, तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है पर यहाँ पर ये देखो बिल्कुल सेफ है और ये सिर्फ हमारा ख्याल था। उसी लेक के पास हमें एक बेड यानी बिस्तर लगा हुआ दिखाया जाता है। वो चारों लड़कियाँ उस पर से तकिया उठाकर एक दूसरे पर मारने लगती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि दो खड़ी दो लड़कियाँ इनको देख रही होती हैं। उनमें से एक ब्राइड बनी हुई होती है और इनफैक्ट उन दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली थी। फिर उनमें से उनको एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और हम ही इसको बदल सकते हैं। फिर ये सब स्कूल वापस आ जाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चले जाते हैं। लेक्चर लेते हुए मित्सुको को जमीन पर एक तकिया पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसे उठाने के लिए छुपती है कि उसी दौरान उनकी टीचर पूरी क्लास पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है और जैसे ही वो तकिया उठाकर ऊपर देखती है तो उसकी क्लासरूम की सब लड़कियां मर चुकी होती हैं और यहाँ पर एक बार फिर से वो बच गई थी जैसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। मित्सुको की टीचर उसके पास आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंद करने की, अब तुम भी नहीं बच सकोगी। लेकिन इसके साथ उसके बाकी दो फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो सिर्फ वहाँ से लेकर भाग जाती है। लेकिन
दूसरे टीचर उसके उन दोनों फ्रेंड्स को भी मार देते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी मिस्टर कॉन के साथ बाहर भागते हैं, लेकिन स्कूल के टीचर्स मुसलसल उन पर फायरिंग कर रहे हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स होती है हवा उनको काट देती है। मिस्टर को यहाँ पर फिर से गिरी रह गई थी और इसके बाद वो भाग कर एक रश वाली जगह पर आ जाती है और फिर पुलिस स्टेशन जाती है। वो वहाँ पर सब कुछ बता रही होती है, लेकिन जब वो फीमेल पुलिस ऑफिसर ये सब सुनती है तो कहती है कि तुमने कपड़े तो इंश्योरेंस वाले नहीं पहने हुए हैं। उसको शीशा दिखाती है तो वो बिल्कुल चेंज लड़की बन चुकी होती है और लोगों से मिटसुको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी शादी होने वाली थी तो वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए ले जाती है और आस पास के लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। जैसे ही वो लोग चर्च पहुँचते हैं तो मिटसुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर ही होती है। उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है तो उसे कहती है कि अभी खामोश रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। और ये कहते ही वो उसे उसका वेडिंग ड्रेस पहनाती है और कहती है कि अब तुम चली जाओ। वो अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो सब लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सबको मारने लगती है, लेकिन सब लड़कियाँ उसे फिर भी बुली करना नहीं छोड़ती। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसके ड्रोन की जगह एक बॉक्स खुला होता है और जैसे ही वो बॉक्स खुलता है तो उसमें से एक खौफनाक पिक बाहर आता है। मिटसुको उसे देख के डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है और फिर मिटसुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती है। यहाँ पर भी दो लड़कियाँ इनको रोकती है लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड इन्हें मारकर भाग जाती है और मिटसुको दूसरी साइड पर आ जाती है। चलते चलते जब वो मिरर में खुद को देखती है तो यहाँ पे वो फिर से एक और चेंज लड़की बनी हुई थी। वहाँ पर रेस हो रही होती है और कुछ लड़कियाँ इसके पास आती है और फिर से किसी और नाम से बुलाकर कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो तो तुम भाग क्यों नहीं रही हो। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तो खुद में भागने की एनर्जी फील करती है और रेस जीतने की पूरी कोशिश करती है। वहाँ पर इसे अपनी डेड फ्रेंड्स भी नजर आती है जो कि स्कूल में मारी जा चुकी है और इसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन भागते भागते ये लोग नोट करते हैं कि वही पे और वो औरतें जिन्होंने इनको चर्च में रोका था इनकी तरफ आ रही थी। तो रिसर्च इससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, इस दुनिया से बाहर चली जाओ। वो भागते भागते एक अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है और वो मिटसुको की तरफ आती है और कहती है कि हम सब भी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मिटसुको की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम इनके जाल में मत फंसना, तुम अपना असली नाम बार बार कहो। और इसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसे जोर जोर से मिटसुको कहकर पुकारने लगती है और इसी के साथ वो अपने असली रूप यानी मिटसुको की शक्ल में वापस आ जाती है। इसके साथ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपने हाथ में लगी हुई वायर्स दिखाती है और उससे कहती है कि प्लीज मेरी ये वायर्स खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर आ सकूं। लेकिन उसे डर था कि कहीं ये वायर्स खींचने से इसकी जान न चली जाए और क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी तो उसकी वायर्स नहीं खींचना चाहती थी। लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के इंसिस्ट करने पर वो वायर्स खींच देती है। इसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड के दो हिस्से हो जाते हैं और फिर उसे गेट दिखाई देता है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है और वहाँ पर उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसे कुछ लड़के देख रहे हैं। फिर एक लड़का उसकी तरफ आता है और कहता है कि तुम फ्यूचर में हो और ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो होश में आती है तो वो आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक रूम में गेम खेल रहा होता है और उसकी गेम में मिटसुको को वही कैरेक्टर्स नजर आते हैं जो वो पहले बन चुकी है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि गेम मैंने बनाई है और मैं ही तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मिटसुको को जब पता चलता है कि ये गेम है तो वो सोचती है कि शायद अभी भी मैं अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। और फिर एक आदमी आता है जो मिटसुको को अपने पास बुलाता है तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जाओ इस गेम की आखिरी सीरीज यानी आखिरी हिस्से को कम्प्लीट कर दो और मिटसुको डरते डरते उसके पास चली जाती है। इसी के साथ उसे अपनी दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तब तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो आदमी का गला दबा देती है और कहती है कि बस करो हमारे साथ खेलना। फिर उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और अपने पेट में दे मारती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। और बूढ़ा आदमी सोच भी नहीं सकता था कि मिटसुको ऐसे कर सकती है और इससे उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई थी। वो इस दुनिया में यानी गेम में तो मर गई थी लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। फिर दिखाया जाता है कि मिटसुको के बाकी कैरेक्टर्स भी अपने आप को किसी न किसी तरीके से मार लेते हैं। अब वो सब के सब गेम का पार्ट नहीं थे। फिर हमें मिटसुको दिखाई